भरतपुर में कोली समाज जागृति संस्थान की ओर से प्रतिभावन सम्मान समारोह का आयोजन हीरा दास स्थित चौधरी मैरिज गार्डन में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता नगर निगम के पूर्व मेयर सुमन कोली ने की। इस दौरान समाज के बालक बालिकाओं को बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक लाने पर प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने डॉक्टर गर्ग का साफा माला व चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित कर राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता है, समाज के बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं ताकि वो देश व प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा सके। कुछ बच्चियों को मिली है स्कूटी, नहीं मिली है। अब बताइए हम कितने साल से स्कूटियां बांट रहे हैं, एक बच्ची को स्कूटी नहीं मिली है। तो कॉलेज वाली बच्चियां जितनी भी हैं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना है काली भाई स्कॉलरशिप जो है स्कूटी वितरण, 30,000 स्कूटी साल भर में हम वितरण कर रहे हैं और मेरिट के आधार पर दी जाती है। मैं चाहूंगा समाज के सभी अग्रजों से जो समाज के पदाधिकारी हैं या लीडर्स हैं जो चाहते हैं उनके समाज का प्रत्येक बच्ची जो दूर दराज या जिस बहुत वंचित है उसका मौका मिले शिक्षा का, शिक्षा के माध्यम से नौकरियों का, चाहे सरकारी सेवा में ऑफिसर्स का मामला हो, डॉक्टर का मामला हो, इंजीनियर का मामला हो। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सुमन जी बैठी है, बहुत जागरूक महिलाएं, भरतपुर में 4 कॉलेज थे केवल, उस कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही है जो सारी ग्रामीण क्षेत्र के सभी समाज की बच्चियां हैं। ये जो संकल्प है, मैं प्रोफेसर रहा हूं, शिक्षक रहा हूं कॉमर्स मैनेजमेंट का, और मैं समझता हूं कि शिक्षा का क्या महत्व है।